नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पिछले 3-4 दिन से मौसम का मिजाज तेजी से बदला है। सुबह धुंध छाने के साथ ही हवा में नमी भी बढ़ी है, तापमान में भी उतार चढ़ाव जारी है। यही कारण है कि पिछले दिनों की तुलना में आज ठंड अधिक लग रही थी। पिछले 3-4 दिनों से हल्की धूप, नम पछुआ हवाओं के चलने के बाद अब पश्चिमी विक्षोभ से एक बार फिर वाराणसी और आसपास के जिलों में मौसम का मिजाज बदलेगा। वहीं हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। आज अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, उससे दिसंबर के पहले सप्ताह में बूंदाबांदी की भी संभावना है। 2-5 दिसंबर तक बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी के आसार है। इसके बाद ठंड और बढ़ने की संभावना है। इधर सोमवार की सुबह भी हवा में नमी अधिक रही। हालांकि रविवार की तुलना में सोमवार दोपहर में धूप थोड़ी राहत देने वाली हुई, लेकिन हवा में नमी अधिक होने की वजह से उसका असर कम रहा। अभी कुछ दिनों से वाराणसी के ज्यादातर इलाके वायु गुणवत्ता सूचकांक 290 से 300 के बीच में थे, जो अस्वस्थ सूची में आते हैं, लेकिन अब एक ही हुआ 185 से 200 के बीच है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।